नमस्कार, बिंदु भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सरला जाटव को डकैत निर्भय गुर्जर ने उस समय अगवा कर लिया जब वह महज 11 साल की थी। उसे तंग घाटी के बीहड़ में ले जाया गया था। 14 साल की उम्र में उसकी शादी निर्भय गुर्जर के दस्तक पुत्र श्याम से कर दी गई और वह निर्भय गुर्जर के गिरोह की सक्रिय सदस्य बन गई। उत्तर प्रदेश के टावा की जेल से महिला डाकू सरला जाटव 17 साल बाद रिहा हो गई। उसके भाई विजय सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिहा करने के आदेश सरला को शनिवार को जेल से रिहा किया। इटावा जेल के अधीक्षक राम धनी सिंह ने कहा कि जाटव को अदालत के आदेश पर रिहा कर दिया गया और वह अपने परिवार के सदस्य के साथ बाहर जमा हुए मीडिया कर्मियों से बात किए बिना जेल से निकल गए। सरला जाटव को 2005 में इटावा रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका नाम हत्या के प्रयास, अपहरण, जबरन वसूली आदि कई मामलों में दर्ज था। उनको पकड़ने पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। बाद में उसे कई मामलों में दोषी ठहराया गया और जेल में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सरला जाटव को डकैत निर्भया गुर्जर ने उस समय अगवा कर लिया जब वह महज 11 साल की थी। उसे तंग घाटी के बीहड़ में ले जाया गया। 14 साल की उम्र में उसकी शादी निर्भया गुर्जर के दत्तक पुत्र श्याम से कर दी और वह निर्भया गुर्जर के गिरोह में सक्रिय सदस्य बन गई। बीहड़ में रहने के बावजूद सरला जाटव बेहद खूबसूरत और फैशन में दिलचस्पी रखने के लिए जानी जाती थी। उस समय इटावा में तैनात रहे एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे तंग घाटी में जीन्स ब्रांडेड शर्ट्स पहनकर मेकअप में दिलचस्पी रखने के लिए जानी जाती थी।